हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ आप कैसे ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो पोको फोन में। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस पर आपको यहाँ पर सेटिंग में मूव होना है, ठीक है। सेटिंग में मूव होने के बाद आपको सेटिंग के अंदर स्क्रॉल करके आना पड़ेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कनेक्शन अनशेयरिंग के ऑप्शन। तो इसमें आपको यहाँ पर कनेक्शन अनशेयरिंग में क्लिक करने है। कनेक्शन अनशेयरिंग के अंदर आपको ऐसे स्क्रीन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको फिर से आपको स्क्रॉल करके आना पड़ेंगे। उसके ऊपर आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है कि यहाँ पर ऑप्शन है रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ में, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद जो आपकी ब्लूटूथ प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे नीचे में और आपको यहीं पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस थोड़ी सी पढ़ना है, ठीक है। रिसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स नाउ, दिस माइट टेक सेवरल सेकंड्स, यू वोंट बी एबल टू अंडू दिस एक्शंस। ये उतना टाइम नहीं लेते हैं, बस ये 3 सेकंड्स या 5 सेकंड्स ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर बस ओके में क्लिक कर देना। ओके में क्लिक करने के बाद ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, मोबाइल डेटा प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, वाईफाई प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, इंटरनेट प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको बस यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।